सो गाइस पापा का बनाया हुआ चिकन, हैप्पी न्यू ईयर पे चिकन पार्टी। पापा चिकन रेडी हो गया? आज नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों तो नए साल के ढलते समय के नया साल में आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर, सभी लोगों को रागनी हैप्पी न्यू ईयर भैया, लोग भाई बहन जो भी देख रहे हैं सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस आज जो हम लोग चिकन पार्टी करने वाले हैं, है ना रागनी? तो आज का प्यारा ब्लॉग को जो है स्टार्ट करेंगे और चाय वाला आज दो तीन दिन के लिए इंट्रो खत्म है क्योंकि स्पेशल ब्लॉग आने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है मम्मी पापा का चाय देने। तो चलिए आज का प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। रात में जो 12 बजे नहीं बोल पाए क्योंकि सेलिब्रेशन किए थे, बहुत ही ज्यादा थक गए थे। आज जो है हैप्पी न्यू ईयर के बाद जो ये ब्लॉग अपलोड हो रहा है, इसलिए आई एम सो सॉरी, स्पेशल ब्लॉग अपलोड करना था। मम्मी जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं मेरे से। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मम्मी, बेटा दीदी सवेरे हो पहले फोन हैप्पी न्यू ईयर करे। दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, नया साल के टाइम भी देखो क्या हुआ है मेरे गांव में। उधर देखिए पापा जी आ रहे हैं अंधेरे में, वहाँ सा लगा हुआ है, ठीक है? तो हम लोग सब फ्रेश हो जाते हैं, पूरा गांव देखे एकदम ठंडा से भरा हुआ है। इधर है सुहानी, हैप्पी न्यू ईयर सुहानी। सब लोग ठीक है? आज से अच्छे से पढ़ाई भी करना, ठीक है? तुम भी और तुम भी ठंडी में, है ना? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर है पापा जी। पापा जी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, नए साल का मुबारक हो बच्चों। आप लोग 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। नए साल में राजा भाई को 2 लाख सब्सक्राइबर पुराइए। आप लोगों से निवेदन, ये साल में सब भाई बच्चों खुशहाल रहे, आबाद रहे, खुशी से राजा भाई को आगे आप बढ़ाते रहिए, उतना ही खुशी मिलेगा आपको भी हमारा भी। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज देखिए हम रंगोली बनाए हैं अपना फूल में, ना प्यार से अपना भैया का नाम लिखे हैं और यहाँ पे, और दोस्तों देखिए यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर किस तरह से हम लिखे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा रंगोली बनाए हैं कैसा लगा। बेटी सबको, भाई बहन सबको हैप्पी न्यू ईयर नया साल का। आज खुशी का दिन है, खुशी खुशी से आप लोग के आशीर्वाद बनाई दे दीजिए। मम्मी एकदम खुशी से बधाई सबको दे रहे हैं। आप लोग नार का पैर इसमें देखा, इसमें नार। और हम बनाए हैं, सुहानी नहीं, हम रागनी बोल रहे थे। हम बनाए हैं भैया। हैप्पी न्यू ईयर सभी को ढेर सारी। और आज का वीडियो तो खूब धमाल होने वाला है। आज तो न्यू न्यू से अलग है नया साल जो 1 जनवरी है। भैया ऊपर में आज हम ब्लॉग कर रहे हैं, भैया सो रहे हैं अभी, भैया थोड़ा आलसी हो गए। आज भैया को देखिए, भैया को तो रोज रोज रिचार्ज खत्म हो जाता है। आज का भी हैप्पी न्यू ईयर का दिन 1 तारीख है तो आज भी रिचार्ज खत्म हो गया है। देखिए रिचार्ज करवाने जा रहे हैं, ये है ना, तो खत्म हो गया है, रिचार्ज करवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इधर हैप्पी न्यू ईयर लिखा है ना, इसीलिए साइड से निकालेंगे, नहीं तो सुहानी का हैप्पी न्यू ईयर मिटा जाएगा। हाँ, इतना प्यार से हम लोग लिखे हैं। गाइज 4 GB का ब्लॉग अपलोड किया, ठीक है? 2 GB नेट था, 3 GB तो खत्म हो गया है, तो 1 GB डलवाने गए थे। 58 रुपए का रिचार्ज होता है कि हमारा ब्लॉग अपलोड हो जाए। ऐसे ही ब्लॉग अपलोड होते रहता है, खुद में अच्छा नहीं लगता लेकिन जब तक देखते हैं तब तक होता है। वाईफाई लगवाने का सोचे हैं तो 17-18 हजार रुपये बोल रहे थे वाईफाई के लिए, तो मैंने सोचा कि घर में लगा दिया जाए, कुछ काम में लगा दिया जाए उतने पैसे। हालांकि फ़ोन वगैरह लिए तो बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ है, इसलिए ज़्यादा खर्च भी करना ठीक नहीं रहेगा। सुहानी सवेरे सवेरे रो इसलिए रही है क्योंकि इसको चनाचूर दाल मोट बिस्कुट मिठाई जो कल वाला पार्टी सेलिब्रेशन था ना सब खत्म हो गया है। मम्मी इधर बेचारी इसको खिजला खिजला के परेशान कर ले, पूरा डिब्बा को जो ढूंढ ढाल के एकदम देख लिए कि कहाँ चना चूर दाल मोट बिस्कुट धैल है। अरे रखा हुआ है इनको, इसको लिए रखा हुआ है, पूरा पैकेट है। अच्छा ठीक है, ठीक है, 4 रसगुल्ला है धैल। कमेंट में कहेगा सुहानी रो रहा है, रो रही है, सुबह सुबह उठकर रसगुल्ले खाने आई, पहले नहाए वो नहीं। सो गाइस आप लोगों का कमेंट आता था कि घर में आप जो है चिकन बनाओ, ठीक है? तो चिकन तो मम्मी और रागनी भी उतना खास नहीं बना पाती है, अभी तक हम नहाए भाई भी नहीं, बगल अगल में गाना बज रहा है इसलिए ब्लॉग शूट करने में दिक्कत हो रहा है। तो फाइनली देखिए पापा जी इधर देखिए अपना चिकन को जो बढ़िया से है फ्राई वगैरह कर रहे हैं, तो अभी रागनी जो है पूरा ब्लॉग आप लोगों को दिखाएगी जब तक हम नहावा के फ्रेश होकर के आते हैं। तो दोस्तों देखिए चिकन किस तरह से बनता है, क्योंकि मेरा पापा बनाते, पापा टेस्टी बनाते हैं, हम लोग बनाते नहीं, मम्मी भी उतना खास नहीं बनाते हैं। और पहले
प्याज को जलाया जाता ना पापा तेल में, उसके बाद फिर जो चिकन है उसको डाल देते हैं। आज नया साल है तो कुछ नया साल अच्छा बनना चाहिए ना, तो चिकन बन रहा है पापा का फेवरेट, भैया का फेवरेट। आप लोग भी आई इनवाइट करते हैं, आप लोग भी खा लीजिए नया साल का दिन। हम जो बनाते हैं थोड़ा टेस्टी टाइप का हो जाता है, अच्छा लगता है, हमको आदत बना हुआ है बनाने का। सो गाइस नहा करके बढ़िया से रेडी हो चुके हैं और सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। फिर से नहा कर फ्रेश हो गए, पापा जी जो है चिकन बना रहे हैं तो चिकन भी आप लोगों को खिलाएंगे। आज पार्टी होने वाला है हमारे घर में, ठीक है, और साथ ही बताएंगे कौन कौन हमारे घर में खाते हैं। जैसा कि शुरू से व्लॉग देख रहे हो अभी तो पता चल ही गया कि हमारे घर में चिकन कौन कौन खाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है चिकन खाने में हमारे घर में, फिर भी व्लॉग के लिए ये करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हो कि हैप्पी न्यू ईयर पे आप लोग जो है ना चिकन वाला पार्टी वाला व्लॉग बनाओ, तो वही चीज़ हो रहा है। तो इधर पापा जी पूरा रेडी वेडी हो चुका है, चिकन तैयार हो गया। पापा चिकन रेडी हो गया? थोड़ा पानी डाल के खदकाएंगे, उसके बाद उतार देंगे। एक्चुअली मैं गाइस पापा चिकन बनाने में सब्जी बनाने में एकदम मास्टर है, ठीक है, इसीलिए पापा ही सब कुछ बनाते हैं। पापा कहते हैं कि तुम लोग बनाते हो, मम्मी बनाती, राघने बनाती है तो सब्जी अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए पापा खुद बना लेते हैं और हम लोग को खिलाते हैं। बचपन से ही ऐसा होता रहेगा जी, हम भी कोशिश कर रहे हैं सब्जी वब्जी बनाने का, ठीक है। तो गाइस अभी चलिए, मुँह में पानी आ रहा है तो चिकन खाएंगे, ठीक है, फिर मस्ती करेंगे। राघनी देखिए बढ़िया से रेडी वेडी होके आ चुकी है, एकदम तड़कता भड़कता। पापा जी इधर एकदम रेडी हो रहे हैं क्योंकि पापा जी मीट बनाए हैं अभी, ठीक है। चलो मिठाई उठाई खाएंगे क्योंकि बगल में गाना बज रहा है, इसलिए गाइस कॉपीराइट आ जाएगा, इसे जल्दी जल्दी हम लोग चिकन विकन खाकर खत्म करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग रील शूट किए हैं हैप्पी न्यू ईयर के शुभ अवसर पर, तो आप लोग जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। मम्मी पापा यहीं पे हैं और हम भी साथ ही साथ रेडी हो चुके हैं गाइस, क्योंकि अभी मिठाई खाएंगे इसी कोट पैंट में, ठीक है। कोट पे मिठाई नहीं गिरने देंगे, कल बहुत ज़्यादा केक गिर गया था, ठीक है। तो मम्मी पापा को फिर से हैप्पी न्यू ईयर मम्मी पापा, ठीक है, आप लोग हजार साल जियो और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, है ना, आप लोग आशीर्वाद देते रहो। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हाँ बेटा, एकदम हजार साल एकदम जियो, हाँ आगे बढ़ो, तरक्की करो, मम्मी पापा का नाम हजार बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस अभी क्या करते हैं ना कि हम लोग मिठाई खाते हैं, इधर अपना सुहानी को आप लोग देख सकते हो कि देखिए देखिए क्या है, देखे देखे मम्मी आइए सभी लोगों को मिठाई खिला दी। हाँ ये है सोन पापड़ी मिठाई, बिस्किट सब, अच्छा बिस्किट था इसके अंदर रागनी, बिस्किट था अंदर इसके, नहीं सोन पापड़ी वाला था ना, ये वाला मिठाई है। तो एक काम करते हैं आज जो है, जय जय बाबा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो उसके लिए इतनी को मिठाई है, तब कहाँ से हम देंगे, मुझे संतुष्टि नहीं है। हेलो कैमरा पकड़ो, कैमरा खुश रहो, खुश रहो। नहीं नहीं सुहानी को नहीं, कैमरा छोड़ के भाग रही है। तो गाइस ये मिठाई जो है सुहानी के लिए नहीं है, ठीक है, आप लोग भी मेरा परिवार का हिस्सा है, मेरा जो भी 1.5 लाख का फैमिली है, 1,16,000 का, तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। सुहानी का हालत, उसको जो मिठाई नहीं मिल रहा है, आप सुहानी को नहीं मिलेगा, अब हम खुद खा लेते हैं। हमको दो को चाहिए, हमको दो को, जाओ खाओ। सो गाइस हम लोगों ने बढ़िया से हैप्पी न्यू ईयर इसी तरह हमारे परिवार में मनाया जाता है, ज़्यादा इधर उधर जाने का नहीं, इधर उधर घूमने का नहीं, बढ़िया से अपने घर में रहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बाहर में, अपना सावधान रहे, सतर्क रहे, परिवार के साथ ही जो है अपना मस्ती करे। इधर देखिए सुहानी अब खिला रही है मम्मी के पापा, तो गाइस अभी क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे मीट खाने के लिए, ठीक है, यानी कि मम्मी तो खाबे नहीं करती है, पापा खाते हैं, हम खाते हैं, बस दो ही जन के लिए बना है, तो आप लोग भी चलिए साथ साथ टेस्ट बताते हैं कैसा बना है। गाइस आज पापा के हाथों का बनाया हुआ चिकन खाएंगे हम पापा, ठीक है, इधर पानी उनी रखा हुआ है सब कुछ,
और ये आप लोग देख सकते हो कि ये पापा का बनाया हाथों का चिकन है, अपने हाथों से बनाया है। हालांकि मैं बता दूं कि हमारे घर में कौन कौन नहीं खाते हैं, ठीक है, तो रागनी आपकी छोटी बहन, यानी हमारे घर में सारी बहनें जो चिकन उकन को हाथ नहीं लगाती, खाती भी नहीं है, तो पापा ही अपना, जैसे कि देखे हो कि रागनी ब्लॉग शूट के हम तो नहाने गए थे और पापा बना दिए एकदम बढ़िया से, ठीक है, तो चेक करके देखते हैं। पापा खाइए, पापा और हमारे लिए ये हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, कुछ स्पेशल है। पास पापा का बनाया हुआ चिकन, हैप्पी न्यू ईयर पे चिकन पार्टी। थैंक यू पापा, थैंक यू, मजा आ गया गाइस, आप लोग भी आप खाने के लिए। एक चीज बता दूं, पापा के अंदर एकदम यूनिक कला है, हमारे घर में हमारी बहनें भी मम्मी भी बनाएंगे ना, उतना मस्त नहीं बनेगा सब्जी उब्जी, पापा बनाते हैं, लाजवाब पापा बनाते हैं। पापा के लिए कमेंट कीजिएगा, सवेरे से पापा जी उठ गए हैं, सवेरे ही हमको डांटे भी है, अपना सब कुछ मीट वगैरह आया है, सबको साफ उफ करके खुद बढ़िया से तल लिए है, क्योंकि ना हमको बनाने आता है, ना रागनी को, ना मम्मी पापा किसी को, मम्मी को, ना सुहानी को, किसी को बनाने नहीं आते, पापा ही बना लेते हैं। इस चीज़ का रेसिपी जो है मीट का रेसिपी चिकन का पापा ही जानते हैं। मजा आ गया गाइस खाने में। सो आई होप गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू ब्लॉग आप लोगों को डेली ब्लॉग मिलता रहे 3:29 पे डेली को शाम को, ठीक है। ये रहा इंस्टाग्राम का आईडी, इंस्टाग्राम जाकर के फॉलो कीजिए, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे पूरा का पूरा फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। हम लोग यानी हमारी फैमिली जो 2 लाख के करीब है, 30,000 बचा हुआ, तो फटाफट आप लोग कंप्लीट करवा दो, दबा दो सब्सक्राइब, मारो सब लोग शेयर करो, ठीक है, राजा लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहो। कल वाला वीडियो में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स गया, अच्छे अच्छे कमेंट आए, सभी लोगों ने प्यार दिया, सिल्वर प्ले बटन को जो पूरे गांव में आशीर्वाद लिए, सभी लोग को दिखाया कि हमें अवार्ड मिला है, क्योंकि गाँव में थोड़ा समझाना थोड़ा सा है ना कह सकते बहुत ही दिक्कत होता है ये सब चीज़ों के बारे में, यूट्यूब के बारे में लोग समझ नहीं पाते, तो सबको जाके बारीकी से समझाया, सभी लोगों ने आशीर्वाद लिया, समझा, प्यार दिया, ठीक है, आप लोग भी इसी तरह प्यार देते रहिए, अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।